आज हम आपको करेले बनाना सिखाएंगे, जो कि काट के कैसे करेले बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमने करेले को 2 घंटे पहले काट दिए और काटने के बाद इनको नमक में भिगो के डाल दिया, नमक मिला के डाल दिया। उसके बाद फिर 2 घंटे बाद हमने इसको पानी में हल्का हल्का धुल लिया, जिससे कि नमक छूट जाए, उनका कड़वापन जो है ख़त्म हो जाए। अब हम इसको स्लोली स्लोली सबको निचोड़ निचोड़ के रख रहे हैं, पानी में से धीरे 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 निचोड़ रहे हैं, जिससे कि इसका जितना भी कड़वापन है और खारीपन है वो सब ख़त्म हो जाएगा। अब हमने ये टमाटर काट लिया है छोटा छोटा, जो एक टमाटर के लगभग 8-9 पीस कर लिए हैं, और हरी मिर्च काट ली है, हरी मिर्च। इसके बाद हमने प्याज काट लिया है। अब इसको नेक्स्ट प्रोसेस में आगे लेके चलते हैं। और ये हमने 2 पुती लहसुन छील लिया है, जिस लहसुन को हम छीलने के बाद अभी हमने दूसरे नंबर पर कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और तेल डाल के हम अभी चेक कर रहे हैं कि लहसुन हुआ, तेल हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हमने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और ये जीरा भून के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें हींग पुट करेंगे। अब हमने थोड़ी सी इसमें हींग डाल दी है, अब ये हींग भी भुन गई। अब इसके बाद हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे, जैसे कि छोटे छोटे 2 तेज पत्ते डाल दिए। और आफ्टर तेज पत्ते अब हमने हरी मिर्च कटी हुई और प्याज इसका तड़का लगा दिया, इसमें छोड़ दिया तो थोड़ी देर हम चलाएंगे। और हरी मिर्च प्याज भी हमने करेले छोड़ दिए। अब धीरे धीरे स्लोली स्लोली इसको हमें देंगे और तेल में इनको फ्राई करेंगे। तो हम तेल में इनको धीरे धीरे फ्राई कर रहे हैं, इसी तरीके से फ्राई चल रहा है तेल में स्लोली स्लोली। अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं, और फ्राई करने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे, और ढकने के 10 मिनट बाद जो लो है फ्लेम है वो थोड़ा सा फ्लेम को लो कर देते हैं। और लो करने के बाद अब इसमें थोड़ी हल्दी पुट कर दी हमने, हल्दी पुट करने के बाद इसको एक बार और फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद अब हम इसको ढक देंगे। अभी हमने ढक दिया, और ढकने के बाद ऐसे कैसे रख दिया। अब इसको 10 मिनट बाद देखते हैं, फिर लो फ्लेम पे 10 मिनट बाद हम इसमें लहसुन डाल देते हैं। तो 10 मिनट हो चुका है। अब आफ्टर 10 मिनट हमने ये प्लेट को हटा दिया है, और ये लगभग फ्राई हो चुके हैं बना हमारे ये करेले जो है फ्राई हो चुके हैं, और थोड़े से नरम भी हो चुके हैं। अब नरम करने के बाद हमने सबसे पहले इसमें धनिया पुट किया, और ये धनिया को मिला रहे हैं स्लोली स्लोली। और धनिया मिलाने के बाद अब हमने इसमें मिर्ची मिला दी है, रेड मिर्ची मतलब लाल मिर्ची ये मिला दिया। अब इसको हमने सारा का सारा इसमें पूरी तरीके से मिक्सअप हो जाए तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। और हमने अब इसमें ये मीट मसाला भी पुट कर दिया है, बाकी आप मीट मसाले की जगह पर गरम मसाला भी डाल सकते हैं। ये सारा कुछ मिला के हमने अब हमने मसाला पूरी तरीके से मिला दिया इसमें। मसाला मिलाने के बाद अब हमने इसमें टमाटर पुट कर दिया है, जो कि हमने पहले से काट के रखा हुआ था। वो टमाटर पुट करने के बाद अब हमें इसमें अच्छे से टमाटर को मिला देंगे, और फिर दोबारा से लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए इसको, थोड़ी देर मतलब 5 मिनट के लिए इसको फिर दोबारा से ढक के रख देंगे, और फिर 5 मिनट बाद देखेंगे कि आपका करेला बन के तैयार हो गया। तो अब हम इसको ढक देते हैं। आफ्टर 10 मिनट फाइनली सब्जी बन के तैयार हो गई है, और ये देखिए कितनी शानदार सब्जी बनी है, एकदम पूरा मसाला मसाला मिल चुका है सारा कुछ जो है, और बिल्कुल थोड़ी भी कड़गी नहीं है, एकदम बहुत अच्छे से बन चुकी है। मसाला मसाला आपको दिख रहा होगा, और फाइनली बन के तैयार हो गई है। तो आप भी कृपा करके ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया सब्जी खाने के लिए।